ऑल वेलकम टू गेट सेट लॉ इन टुडेज सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर क्लाट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम्स तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने अपने मॉक के टाइम पर देखे हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सेक्शंस को कितने टाइम दें क्या क्या चीज़ें करें कैसे हम टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हैं विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो सो मेक्स योर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज आपके क्लैट एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है So, सबसे पहला एंड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इज इसकी विच सेक्शन शुड वी अटेम्प्ट फर्स्ट तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है देर इज नो फिक्स्ड पैटर्न अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो सबसे पहले ऑफ टू स्टार्ट विथ लीगल देन गो टू कॉन्स देन गो टू लॉजिकल देन वर्बल देन जी तो ये कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है इनफैक्ट फिक्स पैटर्न बना भी नहीं सकते है. ये क्योंकि स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पे स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करता है उस पर वैरी करता है तो अगर आप कंफर्टे

अटेम्प्ट करो एंड देखो कि लास्ट तक आपकी एफिशिएंसी किस पैटर्न में बनी रहती है कि आप किस पैटर्न में बहुत ज्यादा एफिशिएंटली क्वेश्चंस मार्क कर पा रहे हो अगर आप थ्योरी पेपर पहले कंप्लीट करके फिर क्वांट्स और जीके करके अपना एफिशिएंसी मैनेज कर पा रहे हो देन दैट इज योर पैटर्न आपको वैसे ही एग्जाम में भी अपेयर करना है बट अगर आपको चाहिए कि थ्योरी पेपर्स के बीच में ब्रेक चाहिए तो फिर दैट इज योर पैटर्न आपको अकॉर्डिंगली मॉक्स में दो तीन मॉक अगर आप अपेयर करोगे तो इसको ऑब्जर्व करना सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है सेक्शंस अटेम्प्ट कैसे करना है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम पर सेक्शन डिवोट करना है अगेन आई से द सेम थिंग इसका भी कोई आइडियल पैटर्न नहीं होता है हम अगर हमसे स्टूडेंट बोले कि नहीं हमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट चाहिए तो हम फिर बोलते हैं कि जो थ्योरी पेपर्स है लाइक लीगल लॉजिकल वर्बल इनको 30 मिनट्स दो कॉन्स को 20 मिनट्स दो और जी को फाइव टू टेन मिनट्स दो अब यहाँ पे क्या होता है ये स्टूडेंट पे और पेपर के लेवल पे वैरी करता है अगर सपोज आपको एक सेक्शन ईजी मिला सपोज लीगल आपको बहुत ही ईजी मिला अब आपको वहाँ पे थर्टी

Ideally, अगर आपसे मुझसे पूछें कि मैम हमें फिर भी कितने सेट टाइमिंग पे प्रैक्टिस करना है तो आप कोशिश करना कि थ्योरी पेपर आप ख़त्म करो इन थर्टी मिनट्स एंड जो भी आपका बच जाता है जो लेंदी पेपर है लीगल लॉजिकल वर्बल वाले ये सारे पेपर आप थर्टी थर्टी मिनट्स में खत्म करो जो बच जाते हैं जैसे कॉन्स और जीके इनको नेक्स्ट थर्टी मिनट्स में आप डिवाइड करो अगर सपोज कोई सेक्शन ईजी आया सपोज आपको मे बी लॉजिकल थोड़ा सा टफ मिल गया आपको लॉजिकल में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको कॉन्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे तब आप कॉन्स का टाइम मैनेज करोगे लॉजिकल में अगर आपको जीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और कॉन्स आ रहा है तो आप जीके का टाइम लेकर के मैनेज करोगे कौन सॉल्व करने में तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है टाइम पर सेक्शन एग्जाम के टाइम पे डिवोट करते वक्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने क्लैट एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है सो so दैट आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाए ड्यूरिंग योर एग्जाम सो so, सबसे पहला पॉइंट है जो आप अभी मॉक के टाइम पे भी देख सकते हो कि आपके मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं कौन से ऐसे सेक्शंस है विच आर होल्डिंग यू बैक कौन से सेक्शंस में कंसिस्टेंटली स्कोरस कम आते जा रहे हैं या फॉल होता जा रहा है उन सेक्शन्स पे वर्क करो देखो क्यों फॉल हो रहा है अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तब आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट वर्क करना है जब आप इन चीज़ों पे वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपका कम होता जाएगा अगर मुझे पहले कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो मुझे वो सेक्शन को वो क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है जब मुझे वो टॉपिक पता हो गया मुझे मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मुझे उन टॉपिक्स पे उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब भी आप कोई मॉक अटेम्प्ट करो सेक्शनल टेस्ट करो कुछ भी एनी थिंग दैट यू आर अटेम्प्टिंग अभी नवंबर के टाइम पे मेक श्योर sure कि आप उसमें अपना टाइमर ऑन करके ही अटैम्प्ट करो हर चीज़ को टाइम करो आप अपना सपोज आपने लीगल में थर्टी फाइव मिनट्स लिए तो उसको अब नेक्स्ट मॉक में कम करना है हमें नेक्स्ट मॉक में बाय मिनट्स हमें कम करना है तो अगर आज के मॉक में थर्टी फाइव मिनट्स का टाइमर सेट किया है तो नेक्स्ट के लिए मैं मिनट्स का टाइमर सेट करूंगी तो मुझे थोड़ा सा टाइमर अपना सेट करना है मिनट्स आपको ये देना है पर सेक्शन पे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स तो मैं हमेशा उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइमर या अपना प्रैक्टिस करूंगी कि मेरा टाइमिंग कम होता जाए और अकॉर्डिंगली साथ साथ नेगेटिव मार्किंग कम होती जाए जस्ट बिकॉज कि मेरे को टाइम पे खत्म करना है तो दैट डज नॉट मीन कि मैं कोई भी क्वेश्चन मार्क करके आ जाऊँ सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्ट्रैक्शनस अवॉइड करना है एग्ज़ाम के टाइम पे कोई गाने की लिरिक्स याद आ गई कुछ आ, टीचर किसी स्टूडेंट को डांट रहा है किसी स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है उसको पानी चाहिए कुछ भी है ये सारे डिस्ट्रैक्शन पे अपना ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें तो डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उन सबको जोन आउट करना है उस समय सिर्फ़ और सिर्फ पेपर पर पे फोकस करना है तो जितना भी हो सके मेक श्योर sure कि आपका फ़ोकस सीधा सीधा आपके पेपर पर रहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको ये पता होना चाहिए कि स्किप कब करना है ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं दैट दे गेट अटैच टू वन पर्टिकुलर सेक्शन मान लो मुझे लीगल बहुत अच्छा लगता है अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यार लीगल तो मैं पूरा करके आऊंगी तो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या होता है लीगल अगर बाई चांस टफ़ आ गया समथिंग ऐसा कुछ आया जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप उस सेक्शन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि जो सेक्शन ईजी थे जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाए तो अगर आपने एक पैसेज पढ़ा आपको वो समझ नहीं आ पा रहा है आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं इन दैट वेस आप एक क्वेश्चन करो दो क्वेश्चन करो उसके बाद मेरा सजेशन ये रहेगा कि मूव टू नेक्स्ट सेक्शन मूव टू नेक्स्ट पैसेज सब पूरा कंप्लीट करो देन then... टाइम के हिसाब से वापस आओ वापस उस सेक्शन पे अब वापस उस पर्टिकुलर पैसेज पे टाइम डिवोट करो अदरवाइज अगर एक सेक्शन नहीं बन रहा है एक पैसेज नहीं बन रहा है लीव इट मूव टू नेक्स्ट वन अपना टाइम वेस्ट मत करना उस पैसेज पे या उस सेक्शन पे कि हमारा आ, मतलब ये बन क्यों नहीं रहा है ये क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें थोड़ा सा हमें और टाइम लगाना है नेक्स्ट इज हमेशा कोशिश करना जब आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पाँच मिनट का बफर पीरियड रखो ये पाँच मिनट किस लिए काम आता है पानी पीना है एग्जामिनर को कोई साइन करवाना है तो ये सारी चीज़ें जो भी मान लो कुछ भी कुछ हो गया उस समय कुछ भी ऐसा रहता है जो आपने आप sure लगाओ तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनट्स का लगाओ सो so दैट कि आपको वो पांच मिनट का बफर पीरियड अब मिलना शुरू हो जाए आपको वो का मिलना शुरू हो जाए। एक गलती जो हर स्टूडेंट करता है वो ये ओ एम लास्ट में फिल करूंगा तो ये मिस्टेक प्लीज़ मत करना आपको अपने मार्क्स में भी अभी समझ आ गया होगा कि ओ लास्ट के लिए मत रखना एक पैसेज हो जाए दो पैसेज हो जाए मेक श्योर sure कि ओ फिल कर रहे हो डोंट इवन वेट फॉर वन सेक्शन टू बी फिनिश्ड क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क किया तो उसके बाद के सारे क्वेश्चंस भी इनकरेक्ट हो जाते हैं तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है एक सेट सिक्स क्वेश्चन का फाइव क्वेश्चन का खत्म हुआ आई एल मूव टू ओ एम आर आई एल मार्क इट देन फिर एक सेट खत्म हुआ मार्क करो ओ एम आर में साथ साथ हैबिट ऐसी ही बिल्ड करना लास्ट मिनट पर ओ एम आर बिल्ड फिल करूंगा तो या तो ओ एम आर स्किप हो जाएगा या गलत फिल हो जाएगा तो ये चीज़ें लास्ट मिनट के लिए नहीं रखने की है टाइम ऐसे मैनेज करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं पैसेज पढ़ रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को अगर चाहिए तो मैं उस समय एक मिनट की जगह डेढ़ मिनट या दो मिनट भी डिवोट करूंगी फॉर रीडिंग दैट पैसेज सो दैट कि मुझे वो पैसेज समझ आए इन माय फर्स्ट रीडिंग ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा फिर वापस से पैसेज पढ़ के समझ रही हूँ ये मिस्टेक्स नहीं करनी है क्योंकि अगर आप एक बार फर्स्ट रीडिंग में ही समझ जा रहे हो तब आप आप अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर रहे हो जो कि बार बार क्वेश्चन पढ़ के वापस पैसेज पढ़ना इसमें टाइम वेस्ट होता है तो हमें बिल्ड अपना हैबिट इस तरह का करना है कि एक बार पैसेज पढ़ा मुझे उतने में वो समझ आ गया टाइम मैनेज ऐसे करना है सो आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे हों इम्पॉर्टेंट लगे हों जो आप अपने क्लैट एग्जाम में यूज कर सको सो so, आपको अगर आज के वीडियो के टिप्स इंपॉर्टेंट लगे हैं आपको लगता है कि आप अपने क्लैट एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं देन मेक श्योर यूर प्रेसिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग